आईफोन के किसी भी डिवाइस में कॉन्टैक्ट की सेटिंग्स कैसे करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में सबसे पहले जाने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, और उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉन्टैक्ट्स, इसे आपको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके जो भी देखिए कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कॉन्टैक्ट्स हैं, किस तरीके से आपको दिखाई देना चाहिए। पहला उनका नाम होना चाहिए कि पहला सरनेम होना चाहिए, या पहला नाम या पहला लास्ट नेम, तो उस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो पहला लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, उस तरीके से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑर्डर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, किस तरीके के उनके नाम होने चाहिए। उनका कोई शॉर्ट नेम आप सेट कर सकते हैं, तो शॉर्ट नेम में उनका सिर्फ जब उनका कॉल आएगा तो ओनली पहला नाम ही दिखाई देगा, ऐसा भी सेट कर सकते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपका क्या नंबर है, तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर सेट करके रखा हुआ है। उसी तरीके से आप अपना डिफ़ॉल्ट अकाउंट को भी चुन सकते हैं, जैसे मैंने जीमेल चुना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट को जीमेल में आईक्लाउड में सेव करके रखा है, तो सारे कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने इस आईफोन के डिवाइस में। तो बेसिकली यही होता है ये। और लास्ट में यहाँ पर आपको सिरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जब सिरी से जो भी कमांड करवाते हैं, यहाँ पर सारे अवेलेबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जब आप सिरी को बोलते हैं कि इस पर्सन को कॉल लगाएं, ये करें, तो यहाँ से आप अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो पसंद आए हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।